एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, इसमें कोई रंग नहीं है, कोई गेरुआ नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई गुरुमारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हम लोग सब एक है। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मथा को लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है, ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकल भरा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग अपना जो रखते हैं। ठीक बोल रहे हैं, दिल से नफरत को निकालो, नफरत से धरना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है, नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगालीज को मैं बोलना चाहता हूं, हम लोग ना अच्छे लोग इतने बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है, अगर आप हमारा भावुक इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे ना, हम भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन ये जो गैप है इसको कम करना है, अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम करे, ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन भंडारी नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम क्रिश्चियन, अभी बीजेपी का भक्त लीडर आ रहा है, हम सुना भी कैसा नहीं है, कैसा है, बहुत कैसा बैठेगा, लेगा कि नहीं, क्यों देखो लेगा ना, देखो आप गरीब है ना, नेता का बहुत कैसा करोड़ों रुपये, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट कर, बोला ठीक है सर, यही बात तो अभी बीजेपी वोट कर, पॉकेट में रखो, नेता को गरीब बनाओ, हम लोग पैसा बनाओ, जो बीजेपी का पैसा है ना वो उसका बाप का पैसा है क्या, नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है, जिसे रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया, ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माई फुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा, बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहे हैं,
अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ले लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया है ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ ठीक है, जितने भी वोट करता है सीधा हमारा शुरू करते हैं, करेगा कि नहीं? बोली लो करेगा। आप लोग बहुत प्यार किया हमको, बहुत आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया, मैं बीमार हूं लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूं, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूं। मैं पहला पार्टी हूं जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया, बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूं। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजबाड़ी को मैं लेकर ऊपर नहीं जाऊंगा, अच्छा नाम कमाना चाहता हूं, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूं और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहां में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चित्रा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे, अगर आप चित्रा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे तो नहीं दीजिएगा। तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को भेजते हैं, सबको भेजा है। ये त्रिपुरा में अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर, वो झूठ बोल के नहीं, इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहे। ये जो फाइट माथा कर रहा है ना, वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से माने बाबू घर से नहीं निकलता, जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है, बालक चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, करना होता था बहुत बड़ा। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार दिया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया पूरा त्रिपुरा में? त्रिपुरा माथा का वॉरियर्स जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीत रहा, पक्का नहीं जीत रहा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा, कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा, कौन बता सकता? ये इंसान ये बचा सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा दहाड़ करने के लिए। आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो, ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है त्रिपुरा माथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा माथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूं। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजबाड़ी को मैं लेकर ऊपर नहीं जाऊंगा, अच्छा नाम कमाना चाहता हूं, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूं और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहां में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चित्रा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे, अगर आप चित्रा को तोड़ना नहीं चाहता है
तो ट्राइबल को अधिकार दे तो मिल जाएगा। हम लोग दोस्त है, आप मुझे जानते हैं मंगला, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया, लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं। आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं, और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ, मैं संप्रदाय कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात हेमंतदा घुमा घुमा के बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो, ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को, दोनों को दिल्ली को हरा कर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। अगर तला में एक एक लाख लोगों का रैली होता है, एक भी बंगाली की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एक किसी में कहीं पर झगड़ा नहीं हुआ, किसी से भी जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो माँ त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूँ, उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूँ। ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है, हर टाइम जाति को धर्म को लेके सामने रखता है। मैं चाहता हूं कि यहां में हमारा बुरे लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहां में भी 90% बुरी लोग, हम लोगों का YTF एक बार भीमा भगत के लिए गोरी भगत ने ताली मारे, आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना। आप लोग बोलो भूमा बदल नाम लिया, ठीक है? भूमा बदल, भूमा बदल, भूमा बदल, अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बॉक्सर करने था तो मैंने सब अपने टिपरा साहब को बोला सलाम अलैकुम, बोलो सब ने बोला सलाम, और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम बाय, मैंने बोला हम बाय। उसी से तो एकता आता है, खांसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग वो अलग, ये खराब वो खराब, कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है, आपका वोट लेकर आप ही को बोलता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्योत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्योत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे पर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से ऑर्डर आया है कि हमारे दिया है राशन नीचे पारदोना, 3 महीना होंगे, 3 मास हो गए थे, आज राशन नीचे पारेना, हानि दुशा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन दुबारा पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक मास बीमार है हमारे गांव में, ऋषि लोग के बंगाली हो या ट्राइबल हो, निप्रासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमा क्या हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहां में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर रहे, विटामिन का कमी से,
अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं, अगरतला में कोई नहीं मर रहा। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापिस आता है बारिश आता है छत से पानी आता है। अगरतला में आप नल खोलकर पूरा पानी जाते रहता है, तो किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है, आपका घर टूटा है, उनका घर दो बिल्डिंग का होंगे, तीन बिल्डिंग का होंगे, तीन मंजिल का होंगे। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली बैंगलोर शिलोंग में पढ़ता है। आपके यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ठीक नहीं करा सकता, आईएलएस पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का प्रस्ताव भी सुना था। ठीक बोला, ठीक अफसर, ये ट्राइबल और बीमारी का बात नहीं, ये सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा बेटर पीपरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक, अपना संविधान को मान सकते नहीं। महाराजा साहब हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टुकड़ी नहीं देगा, हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा। आसाम का मुख्यमंत्री हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत विश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराष्ट्र को बोला है त्रिपुरा का दो भाग नहीं करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का दो भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत विश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमा किया है, महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोली, ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमा किया, आप उनके खिलाफ आश्रम दो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैं आज तक नहीं बोला विप्लव बाबू को, मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक नहीं बोला। किसने बोला वो पता चल गया, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है, जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला क्या है ये मौका है? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा बेटा टीचर है बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहां, ये उनका भूमि है, उनको नहीं मिली थी। हम अपना मुतुंगारा के लिए एक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन चाहता है, हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसके बड़ा चाकमा को लात मारकर बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पता कर लिया चाहते हैं। आप उसका अगेंस्ट एक्शन तो नहीं लेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान मुकुमरा मुकुम ब्लॉक किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं, जिसने किया। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग गरीब हैं, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है,
बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब है। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, मेरे साथ खेलता है। कभी कैजुअल बीमारी में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो, अरे पूरा दिन पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहां में है। आज मैं वहां से यहां आ रहा था, ये मार्ग में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा, हमको देख के बोलता है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मैं भी बोला जय श्री राम जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना, मैं तो मेरे पूर्वजों ने माता मदन चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है जय श्री राम बोल रहा बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ, लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सियाराम बोलते हैं, जय सियाराम, ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है, यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है जय सियाराम। आपको इतना भी मालूम नहीं, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने के लिए। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूं, बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या। लेकिन माता पाली में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं बात करते, कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा लिया, आज माता बारी को नष्ट कर दिया आपने, उसके बारे क्यों नहीं बात करते, पैसा का खेल है। आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं, मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10-15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहां में बहुत बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए बहुत नेता लोग आता है भाषण देते हैं, वॉलंटियर में सब ज्यादा आवाज कर रहे हैं, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है, ठीक है, लेक्चर देता है। यहां में आसाम से मुख्यमंत्री आया हेमंत बिस्व शर्मा, थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा, बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है, हम लोग तो छोटा है। लेकिन गुबागरा आपको लेक्चर देने नहीं आया, गुबागरा आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है नहीं मिला, मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल मारा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला मिला है मिला। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला नहीं मिला, हम लोग का बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलने का बात है, यूथ को मिलने का बात मिला, देगा 340 अभी पे यहाँ में तो मरीज भी है, भूखू भारत की पैसा भी है, जो बिंबली है ये सबको जुमला बोलते हैं, हमारा कौशल में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारा साथ किया है, क्या है दूसरा धोखा, क्या है क्या है, महाराजा नहीं बोल रहा पब्लिक बोल रही, धोखा मतलब
धोखेबाज धोखेबाज चुनला बोला चलो पता किया चलो धोखा है हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा लेकिन क्या चलो धोखा है ये लोग बोलता है कि प्रद्योत सांप्रदायिक है जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर किसी का टीका तिलक देखकर किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को भागते हैं वो सांप्रदायिक नहीं है वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान नौकरी चाहिए भाई आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना सामने में नाला खराब है नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो वो नहीं करेंगे हमारे लोग गरीब है हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है ये लोग बोलते ना इंग्लिश मीडियम स्कूल है आप लोग तो बार बोना लेकिन ये एमएलए ये मंत्री ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं देता क्यों ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो अमीर को अमीर रखो मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं ये बोल दिया महाराज सिंह मैं अपने यहां में हमारे गरीब जनजाति को अपना हुक्मरान को हेल्प करना चाहता हूं बोलता समझा मैंने हमेशा अधिकार के बारे में मांगा किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया मैंने कभी नहीं कहा कि बिंगाली को वापस बांग्लादेश भेजो मैंने नहीं कहा तभी भी ये बात को उलट के पलट के और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है वहां में जाना पड़ता है ये हीरो यंग लड़का है मौग है शिहानो है त्रिपुरा का है द्रासा है देखो इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है यंग लड़का है फाइट कर रहा है प्लीज इसको देखो शिहानो नाम क्या है शिहानो आप अनारस अपना अरुप खुश तो बहुत बड़े को बात खुश तो बहुत बड़े को बात है कि आज हमारे साथ आज ये पहला आंचलिक पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज दे रहा अच्छा इंसान है आपको प्यार करता है बंगाली है और पिपलासा इंदिरा माता पार्टी से लड़ रहा है जीतेगा ये अगर आपका सपोर्ट रहा इसका नाम क्या है अगला पांच दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं नो बंगाली नो ट्राइबल नो हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम बुद्धिस्ट ओनली अनारस थानसा रखो ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे गए सब लोग खड़ा होके हेलो ये कोरकोरक में एक शब्द है ठकाई तो था अरे हाँ अरे समझ गया अब बोले चीनी ना बोले सब लोग रेडी चीनी हाँ चीनी हाँ तो ईश्वर आओ आसान
जो औरत नहीं समझते हैं, चीनी हा मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब सब लोग, चीनी हा I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে।